हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज लाई है नीट यूजी रिजल्ट। तो गैस, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। कहां से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नीट यूजी के रिजल्ट का वेट काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट कर रहे थे और जो मामला था वो अटका पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। तो गैस, फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ चुका है कि वह अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और एनटीए ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट रेडी करके रखा था और सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के थ्रू यही बोला गया कि नीट का जो रिजल्ट है वो हमारे थ्रू तैयार कर लिया गया है, बिल्कुल रेडी है, बस आपके डिक्लेरेशन का वेट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेरेशन दे दी है, उनने ऑर्डर दे दिया है कि आप नीट का रिजल्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो हियरिंग चल रही थी दो स्टूडेंट को लेकर चल रही थी, तो कोर्ट ने यही बोला है कि दो स्टूडेंट की वजह से अप्रोक्सीमेट 16 लाख स्टूडेंट्स का लॉस नहीं हो सकता क्योंकि अकेडमिक सेशन उससे डिले हो जाएगा। तो गाइस, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि नीट यूजी का रिजल्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं और किस टाइम आपको देखना है। इससे पहले गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एंड ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखिए, हम डायरेक्टली चलते हैं नीट यूजी रिजल्ट को लेकर। तो गाइस, यहाँ मैंने डायरेक्टली न्यूज ओपन की है। तो नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो कभी भी आपका आप देख सकते हैं, कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आज या कल में। कल लास्ट डेट, डेडलाइन जो बोली गई है वो 30 अक्टूबर बोली गई है, इवनिंग 5 PM तक। ठीक है, लेकिन आज भी आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि एनटीए के थ्रू रिजल्ट रेडी है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन अपना दे दिया है कि एनटीए अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। और गाइस, एनटीए भी जल्द से जल्द अपना रिजल्ट जो है नीट का रिजल्ट वो जल्द से जल्द डालेगी वेबसाइट पर। क्यों? क्योंकि कहीं कोई और स्टे ना लग जाए जैसे अब तक स्टे लगी हुई है, तो और मामला लंबा ना खिंच जाए, इसलिए एनटीए बहुत जल्द जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपका जो है डिक्लेयर करने वाली है। कल तक का वेट मुश्किल ही किया जाएगा। कल की लास्ट डेडलाइन दी गई है 30 अक्टूबर इवनिंग 5 PM, लेकिन गाइस आज भी आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो सकता है। नीट रिजल्ट 2021 को लेकर क्या लाइव अपडेट चल रही है वो हम देख लेते हैं। NTA is expected to release the result of NEET 2021 soon. The NEET result will be available on neet.nta.nic.in. ये official website है जहां पर आपको NEET का result देखने को मिलेगा। The exam was held on 12 September and close to 16 lakh students had appeared for it. ये आप सभी को पता है 12 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और 16 लाख स्टूडेंट के आसपास एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिया है। Meanwhile, the Bombay High Court order against which the NTA had sought Supreme Court intervention has been stayed. ठीक है, तो स्टे लगी हुई थी नीट के रिजल्ट के ऊपर, NTA डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था। अब जो नीट रिजल्ट है वो वेबसाइट NTA की वेबसाइट है nta.ac.in और neet.nta.nic.in, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सितंबर के अंदर दिया था वो नीट रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो होगी वो डालनी पड़ेगी जब रिजल्ट आपका रिलीज हो जाएगा। द इंटर सेम मेरिट विल बी डिसाइडेड इन द गिवन ऑर्डर। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स, अब का मान लिया जाए कि दो या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल है तो फिर किस तरीके से ऑल इंडिया रैंक निकाला जाएगा। तो गाइस, स्कोर के बेसिस पर निकाला जाएगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर गेन किया है स्टूडेंट ने। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो बायोलॉजी को दी जाएगी, आफ्टर दैट केमिस्ट्री और आफ्टर दैट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस के को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो गाइस, ये थी नीट के रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आप नीट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो नीट का रिजल्ट आज शाम 5 बजे या फिर कल शाम 5 बजे जो है फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ओके, थैंक यू गाइस।